सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता था कि मैं रांची गई हुई थी और रांची से वापस घर भी आ गई हूँ। रांची का ट्रिप था वो जो बहुत ही औसम था, बहुत मज़ा आया। अपनी फ्रेंड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किए, बहुत अच्छा अच्छा जगह एक्सप्लोर किए, आप लोगों के साथ शेयर किए। तो ऐसा जो है आप लोगों को वीडियो मेरे चैनल पर हमेशा मिलते रहेगा, इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस अभी तो फिलहाल घूम के घर ही आए हैं और घर जैसा सुकून और शांति कहीं नहीं मिलता है। आप कहीं भी चले जाइए, जब तक आप घर नहीं आइएगा तब तक जो है आपको मतलब बोलते हैं मन में शांति नहीं मिलता है। तो मेरा भी वही हाल है। तो अभी घर आके रेस्ट किए और मेरा फॉर्म फिलअप भी कंप्लीट हो चुका है। और तो फिलहाल तो कहीं नहीं जा रहे हैं, इसीलिए और बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी शेयर करूं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आप सभी का कि मेरा इंस्टाग्राम पे 20K फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुका है। इंस्टा में भी अच्छा खासा जो है मेरा फैमिली बन चुका है। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर आपने अभी तक इंस्टा में मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है। तो आज इसी खुशी में मैं सोच रही हूँ कि आज कुछ मीठा बनाया जाए, मीठा में देसी चीज़। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में झारखंड या फिर झारखंड से रिलेटेड कुछ कल्चर इसके बारे में आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वही रिलेटेड ही है, मीठा बनाएंगे, वो भी खीर है, खीर लेकिन देसी स्टाइल में, हंडी में और भी चूल्हे पे। तो रेसिपी और ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि शायद मतलब इधर के जो लोकल के हैं गांव के उन लोगों को तो पता ही होगा और बाकी जो नए हैं उन लोगों को वीडियो देख के पता चल जाएगा। तो इसलिए ब्लॉग पे बने रहिए। तो आज जो है बनाएंगे हम लोग देसी स्टाइल में खीर। सो गाइस अभी जो मैं वीडियो शूट कर रही थी वो सीढ़ी पे बैठ के, तो वहाँ से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी एक चीज़ दिखाया जाए जो कि बहुत ही स्पेशल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग में, ये सब आप लोगों को पता ही है। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ, तो चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए हरी मिर्च का पौधा, कितना सारा हरी मिर्च आया है, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ऊपर ऊपर करके है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भी है, और इधर अभी धनिया पत्ता लगा है, देख सकते हो छोटा छोटा है। और ये मैंने लगाया था तो इसमें फूल भी आ गया। तो मैं रांची गई थी उससे कुछ दिन पहले ही लगाए थे, तो मेरे आते आते जो है इसमें फूल भी आ गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए और भी था, आंसू उखाड़ के फेंक दी और कुछ कोको तोड़ दी। और ये मटर, मटर का है, देखिए मटर आया भी है इसमें, अभी छोटा छोटा है। इधर और भी सा है। अब बैंगन तो बहुत है, दिखेगा तब, देखिए बहुत सारा बैंगन है। इसका ऊपर से दिखाते हैं, देखिए इतना सारा बैंगन का पौधा है। और एक शिमला मिर्च भी है, देखिए शिमला मिर्च। तो ये इसको जो हम फूल देख के गए थे, मेरा आते आते जो ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, अभी छोटा है। और एक शिमला मिर्च का पौधा है, देखिए। और ये वाला चिल्ली ब्लैक वाला बहुत अच्छा लगता है, देखिए वो ऊपर ऊपर था, ये नीचे नीचे, कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन तीखा बहुत है। और इधर जो है पालक लगाया हुआ है, गोभी भी है लेकिन गोभी अभी तक आया नहीं है। और देखिए चना, चना का पेड़ है इधर बहुत सारा, साइड साइड में चना का लगाया गया है। वहाँ पे एक रोज भी है, आपको दिखाते हैं, देखिए कितना खूबसूरत है ये रोज। सो फ्रेंड्स, क्या आप भी चाहते हैं घर बैठे ढेर सारे पैसे कमाना? तो आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम है Mall91। जी हाँ, इसमें जो है आपको घर बैठे बहुत सारे पैसे अर्न हो जाएंगे। इसमें सिंपली से क्या करना है, आपको ऐप को इंस्टॉल करना है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें आपको अपने पॉकेट से एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, प्लस इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा आप लोगों को। बस इसको क्या करना है, हर दिन इस ऐप को ओपन करना है और लगभग एक घंटे तक इस ऐप को चलाना है। ये एक शॉपिंग ऐप टाइप का है
जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह है, उसी तरह ये इंडियन ऐप है। यहाँ पे आप जो है शॉपिंग भी कर सकते हैं और पैसे भी अर्न कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ लेवल्स है, मैं आप लोगों को बताती हूँ लेवल्स के बारे में। सो गाइस, इस ऐप में पैसे कमाना जो है बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, अपना रेफर कोड जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और 6 दोस्तों को जो है अपने इस मॉल 91 नेटवर्क में जोड़ना है। उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ लेवल्स दिख रहे होंगे, लेवल्स, मेंबर्स और मंथली। लेवल्स 1 में जो है 6 मेंबर्स रहेंगे और उसको आपको जो है 30 रुपीज मिलेगा। लेवल 2 में 36 मेंबर्स, उसका आपको 90 रुपीज मिलेगा। इसी तरह जो है आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे आपको बस 10 लेवल्स दिख रहे होंगे, पर इसका एक्चुअल जो लेवल है वो 15 लेवल्स तक है। तो है ना, ये बहुत कमाल का ऐप है। और सबसे बड़ा बात क्या है, आपको इस ऐप को हर दिन ओपन करना है। प्लस इसमें जो आपको स्क्रेच कार्ड मिलेगा, हर दिन स्क्रेच कीजिएगा तो आपको जो है कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, या फिर उस ऐप में शॉपिंग करने के लिए कुछ आपको डिस्काउंट मिलेगा। और एक चक्री मिलेगा, उसको घुमाइएगा, स्क्रेच कार्ड मिलेगा, जो कि आप लोगों को पता ही होगा। तो बस यही है इस ऐप के बारे में। सो बाकी जितना डिटेल्स है आप लोगों को अगर नहीं पता चल रहा है तो मैं इनका जो है मोबाइल नंबर मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन पे, तो आप जो है वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और उन लोगों से पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऐप है, तो देर किस बात की, जल्दी से जाइए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, और क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और घर बैठे बहुत सारे पैसे कमाइए। मैं तो कमा रही हूँ, आप लोग भी कमाइए। यहाँ पे मम्मी चूल्हा जला रही है क्योंकि मुझे नहीं आता चूल्हा जलाने, तो देख सकते हैं पहले लकड़ी से जलाया गया है और ऊपर से कोयला दिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आज का जो है शॉपिंग ये रहा, और कहीं गए नहीं थे, घर के बाहर ही बेचने के लिए एक भैया आए थे तो वहीं से लिए थे, तो बहुत ही अच्छा मटेरियल था इसीलिए, और सस्ता भी था इसीलिए ले लिए। और देख सकते हैं मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ, देखा, तो इसका फैब्रिक जो बहुत ही सॉफ्ट है, देख सकते हैं। ये समीज़ का कपड़ा है, ये पजामा का है, आप अपने हिसाब से इसे सिलवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। और ये भी सेम कपड़ा है, बस इसका डिज़ाइन अलग है, बहुत ही सॉफ्ट है बहुत। और ये जो है ये थोड़ा अलग पैटर्न में है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सोच रही थी इसका एक पटियाला बनाऊं। और ये भी, तो ये दोनों मेरा है ये रूबी दी का है और ये जूली दी का है, तो ये बहुत ही सस्ता में मिला, एक का 300, तो चारों मिला के जो है 1200 में मेरा कंप्लीट आ गया। तो हमारे प्रिय बंधु दीदी को लो खट्टा से कसे खातिर हमारा चूल्हा जे बस धरने वाला है, और बाद बनाबो है खीर, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो हम लोगों का चूल्हा जो है बस जलने ही वाला है, मतलब ऑलमोस्ट जल गया, थोड़ा सा लेट है अभी, उसके बाद जो है बनाएंगे हम लोग खीर। तो मुझे जो है ठंडा लग रहा है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैठी हुई हूँ, तो आग सेकना जो है कोढ़ी का काम है बहुत। देखिए इतना सारा बैंगन मम्मी जो है तोड़ के रखी है चाची लोग को देने के लिए, बहुत सारा है। ये आलू चॉप है हमारे यहाँ का स्पेशल, अभी हम लोग गए थे मोड़ तो वहीं से लेके आए हैं। तो आग हम लोगों का जो है अच्छी तरह से जल चुका है और इधर जो है मटर भी जलाया जा रहा है। तो ये मिट्टी का हंडी है, इसे जो है हम अच्छी तरह से धो लेंगे पहले। तो इसे जो है हमने अच्छी तरह से धो लिया है, अब दूध को जो है इसी में गर्म करेंगे हम लोग। तो इसे धोने के बाद हम लोगों ने इसे जो है चूल्हा पे चढ़ा दिया है, तो ये हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध और दूध को जो है इसी में हम लोग उबाल लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है आरवा चावल जो कि घर का हम लोगों का लास्ट ईयर जो है बनाए थे, वही अभी रखा हुआ है, तो इस साल जो है फिर से न्यू बनने वाला है। तो ये हम लोगों का घर का चावल है, इसे जो है हम धो लेंगे। तो इसे जो हम 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद जो है पानी को हम निकाल देंगे।
सो गाइस चावल को हमने अच्छी तरह से साफ करके धो लिया है और इसे पानी जो है बाहर निकाल दिए हैं। तो ज़्यादा नहीं लिए हैं हम लोग, देख सकते हैं कम चावल लिए, क्योंकि ज़्यादा फिर दे देंगे तो फिर वैसा टेस्ट नहीं आएगा। और इसमें हम लोग चीनी ऐड नहीं करेंगे, इसमें हम लोग गुड़ मिलाएंगे। सो गाइस दूध जो है वो उबल चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। अब हम इसमें जो है धो के हमने चावल रखा था वो अब इसमें जो है हम लोग डाल देंगे। तो इसे जो है कलची की सहायता से इसे चलाते रहना है, नहीं तो दूध जो है पूरा उबल के नीचे गिर जाएगा। तो इसे जो है कुछ देर चलाने के बाद क्या करना है, गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ जो है एकदम लास्ट में ऐड करना है, तब पकने के लगभग एक या डेढ़ मिनट पहले, तब हम इसमें गुड़ मिला रहे हैं और इसे चलाते ही रहना है। सो गाइस गुड़ मिलाने के बाद क्या होता है, ये जो है चिपकने लगता है, तो इसे जो है ज़्यादा देर रखेंगे नहीं। अब हम लोग जो है ये देख ही सकते हैं, हम लोगों का खीर रेडी हो चुका है, गुड़ वाला खीर। तो इसे हम लोगों ने चूल्हा से नीचे उतार लिया, फिर भी आप देख सकते हैं इसमें जो है उबाल आ ही रहा है। तो ये देख सकते हैं हमारा गुड़ वाला खीर जो है हंडी का, वो रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो फ्रेंड्स हम लोगों का खीर जो है बनके रेडी हो चुका है, मैं अब इसे टेस्ट करके बताती हूं कैसा है खाने। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत बहुत बहुत। मैं अपने भाई से पूछवाती हूँ कि कैसा बना कैसा नहीं। अच्छा है, मीठा भी सही है, भाई मस्त है। आगे देखिए, तो हम लोग जो है खीर खा लिए हैं और सबको हम लोग देख सकते हैं इवनिंग टाइम है, तो सबको चूल्हा जला के बैठे हुए हैं। सब अपना अपना मम्मी देख रही है, साथ निभाना साथ ही आ। और दीदी यहाँ बना रही अंडा सब्जी, हम भी सारे यहाँ पर बर्थडे वीडियो बना रहे हैं। तो बस ये वाला खीर है हम लोग का, ये अभी चलता रहेगा। तो ये जो खीर है वो हम लोगों का झारखंड का स्पेशल है, मेरे बाहर भी होता है। तो बस आज का वीडियो कितना हल्ला करती है, देखिए। बस आज के इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा छोटा सा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।